अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर ललितपुर में NHM संविदा कर्मी बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, अब तक नहीं मिला कोई आश्वासन। प्रदेश के 75,000 संविदा कर्मियों व 2,00,000 आशा बहुओं ने पिछले साल 17 नवंबर 2018 को अपनी चार सूत्रीय जायज मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन देकर समस्त अधिकारियों को भी ज्ञापन प्रेषित किया था, जिसके आधार पर मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा एक महीने में सारी मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक NHM संविदा कर्मियों की मांगों को लेकर सरकार द्वारा कोई निर्णय प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद 21 जनवरी से NHM समस्त संविदा कर्मचारी संघ ललितपुर के तत्वाधान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय ललितपुर के बाहर NHM संविदा कर्मी व आशा बहुएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए, जो आज 23 जनवरी 2019 को भी जारी रही। आपको बता दें कि NHM संविदा कर्मियों ने अपनी चार सूत्रीय मांगों में समान कार्य समान वेतन एवं विशिष्ट सेवा नीति, आउटसोर्सिंग अथवा ठेका प्रथा पर रोकथाम, संविदा कर्मिकों का स्थायी समायोजन एवं नवीन पद सृजन तथा आशा कार्यकर्तियों को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की भांति एक निश्चित मानदेय निर्धारण आदि की मांग की गई थी, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया न आने पर संविदा कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। ललितपुर से दीपक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।